बादशाह का इनाम। तो नाजरीन, जो कहानी हम आपको पेश कर रहे हैं वो कहानी है बादशाह का इनाम सबक आमुझ कहानी। एक गांव में एक बहुत गरीब किसान रहता था। किसान सारा दिन अपनी खेत में मेहनत करता। किसान के पास ही एक सुनार का घर भी था। ये सुनार बहुत अमीर था और साथ साथ लालची भी था। एक मर्तबा किसान ने अपनी खेत में खरबूजा की फसल उगाई। फसल बहुत अच्छी उगी और खेत बड़े बड़े खरबूजों से भर गया। उसमें एक खरबूजा इतना बड़ा हो गया कि इससे पहले इसे किसी ने नहीं देखा होगा। किसान बहुत खुश हुआ। इसने सोचा क्यों ना इस खरबूजा को भी बादशाह को पेश कर दूं, वो बहुत खुश होंगे। अगले रोज किसान इसको एक गाड़ी में लेके बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मेरे ख्याल में ये दुनिया का एसबी से ब्रा खरबूजा मैं इसी आपकी नजर करना चाहता हूँ। बादशाह इस नायाब खरबूजा को देखकर बहुत खुश हुआ और वजीर को हुक्म दिया इस खरबूजी के बराबर हीरे जवाहरात तोड़ के इस किसान को दे दूं। किसान ने सारे कीमती खजाना बेचकर अपने लिए एक शानदार घर बनवाया। सोनार को जब किसान के दौलतमंद होने का ये राज पता चला तो वो सोनार हसद की आग में जलने गया और फिर उसने एक तरकीब सोची। इसने सोचा मैं अपना खलिस जेवरात बादशाह को दूं तो वो मुझे बदले में बहुत से कीमती जेवरात देगा। इसने अपनी खालिस जेवरात पोटली में बांधे और बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये बहुत कीमती जेवरात हा जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बादशाह ने इसका तोहफा कबूल किया और सोचा बदले में इसे किया देन। तो अचानक उसकी नजर अस खरबूजा पे पड़ी जो किसान लाया था। बादशाह ने सुनार को कहा, मेरे दरबार में सबसे नायाब चीज ही हा जो कि एक किसान लाया था, ये मैं तुम्हें इनाम में रहा हूँ। सुनार को बहुत गुस्सा आया कि ये किया बादशाह का इनाम किसान के लिए कुछ और मेरे लिए कुछ, लेकिन वो बादशाह से कुछ के नहीं पिया और लरजती हुई आवाज में बादशाह का शुक्रिया अदा किया और दरबार से चला गया। उसकी जहन में ही अल्फाज गूंज रहे थे कि वाकई लालच बुरी बला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का शुक्रिया।